देना। भैया भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ ना, कल रात को बहुत दर्द उठा था। हाँ बेटा, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ला। मैं तो इसे शहर ही ले जाऊंगा। भैया भाभी की बहन के पास चले जाओ ना, उनकी शहर के अस्पताल में बहुत अच्छी जान पहचान है। मैंने राधा राम को खत लिख दिया है, उसे मिल गया होगा। रामू बेटा, इस बार तेरी बहू का लड़का हो जाए तो मैं गंगा नहा जाऊंगी। मैं कल ही रजू की भाभी को लेकर शहर जाऊंगा। अच्छा। मेरी पत्नी को देख लीजिए, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, उन्हें ले आइए। आइए सिस्टर। मां बैठिए। बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, मेरे लड़का होगा या लड़की? अरे भाई, जो भी होगा पता चल जाएगा, आखिर होगा तो बच्चा ही ना। डॉक्टर साहब, मुझे तो बेटा चाहिए। अगर मेरी पत्नी को होने वाला बच्चा लड़की है तो मुझे नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी खर्च आ जाए, आप उसका गर्भपात कर दो। देखिए मिस्टर, पहली बात तो यह है कि इस स्टेज पर गर्भपात संभव नहीं है, और अगर होता भी तो मैं नहीं करता, क्योंकि गैर कानूनी है। हम लोगों को जीवन देने के लिए होते हैं, उनकी जान लेने के लिए नहीं। अगर इसके आगे आपने एक भी बात कही तो मैं आपको नवजात शिशु की हत्या के जुर्म में जेल भिजवा सकता हूं। सिस्टर समझाओ इन्हें। ओके डॉक्टर, देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी बीवी बहुत बीमार है, उसे एडमिट करना होगा। तुम जाकर दाखिला फॉर्म लेकर आओ, मैं उसे वार्ड में लेकर जाती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मरीज तो मैटरनिटी वार्ड में है। सिस्टर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो क्या बात है। एक मिनट। यही कहो, बाद में मुझे बहुत काम है। सिस्टर, हम अपने गांव वैर भौरा जिला बुलंदशहर से शहर इसलिए आए हैं कि मेरी पत्नी की जांच हो सके कि उससे लड़का होगा या लड़की। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी खर्च हो जाए, अगर मेरी पत्नी के होने वाला बच्चा लड़की है तो उसका गर्भपात कर दो। परंतु अब तो बहुत देर हो चुका, तुम्हारी पत्नी को कभी भी बच्चा हो सकता है। हट जाओ। सुनो सुनो भैया, क्या नाम बताया तुमने अपने गांव का? बैर भौरा। हाँ, जिला बुलंदशहर। वहां खजान को जानते हो तुम? हाँ क्यों नहीं, खजान, वेदराम, भूलेराम, सूरजभान, ये सब तो मेरे चाचा ताऊ हैं। आप उनको कैसे जानते हैं? मैं भी उसी गांव का हूँ। गणपत सिंह का नाम सुना है तुमने? गणपत सिंह? हाँ हाँ, गणपत मुखिया, वो तो हमारे मुखिया हुआ करते थे। मैं ही वो गणपत हूँ। आप तो मेरे ताऊ हैं, ताऊ जी। लेकिन भाई साहब, आप यहाँ आए कैसे? अरे बहना, क्या बताऊं, मेरी पत्नी दोबारा गर्भवती हुई है, मेरी 4 साल की बेटी है पहले ही, अगर अब दोबारा बच्ची हो गई तो क्या होगा? अरे इसमें घबराने की क्या बात है, बच्चा होना तो खुशी की बात है, तुझे क्या परेशानी हो रही है? ताऊ, परेशानी की कोई बात नहीं है, यहाँ डॉक्टर जांच करके बता देते हैं कि औरत को होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। उसकी क्या जरूरत है? ताऊ है, मेरे पहले ही 4 साल की बेटी है, और मेरे बड़े भाई के 4 बेटियां हैं और एक बेटा है, उन सबकी शादी में तो बहुत सारा खर्च हो जाएगा ना, और मेरे बड़े भाई के वंश चलाने के लिए तो लड़का है, लेकिन
मेरा वंश कैसे चलेगा? मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? अरे इस बार भी लड़की हुई तो क्या करेगा? तो मैं उसे यही छोड़ जाऊंगा। धीरज रख, धीरज। धीरज तो ताऊ तब रखूं अगर ये डॉक्टर लोग बता दें कि मेरी औरत को होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। अरे उतावलापन मत कर, जा जाके नर्स से बहू का हालचाल पूछा। जा, बहू का हालचाल पूछिया। ताऊ भी बस। अरे रामू, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें ओपीडी में ढूंढ रहा था। सुनो भैया, तुम्हारी पत्नी ने प्रीमेच्योर बेटी को जन्म दिया। बेटी? प्रीमेच्योर? प्रीमेच्योर का मतलब समझते हो आप? वक्त से पहले। मुबारक हो रामू। फिर बेटी? अगर परिवार नियोजन करवाना होगा तो काउंटर से फॉर्म ले आना, क्योंकि डिलीवरी के बाद नसबंदी करना आसान होता है। बाकी तुम सोच लो। लगता है मेरी किस्मत में बेटा है ही नहीं। अरे रामू, मायूस क्यों होते हो भैया? बेटियां बेटों से बहुत अच्छी होती हैं। तुम तो जानते ही हो, मेरी दो बेटियां और एक बेटा है। इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत लाल प्यार दिया। नतीजा क्या हुआ? आज वो किसी की परवाह नहीं करता। आज सुबह की बात है। बेटा बोलो। जी पापा। आज एक काम करो, अस्पताल जाकर तुम्हारे गांव से आए हुए मौसा जी को खाने का डिब्बा देकर आओ। क्या पापा, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है। मेरे पास पैसे भी नहीं है। मुझे 200 रुपए दो, मुझे प्रेजेंट देना है। हाँ हाँ, 200 रुपए जरूर ले लो। पार्टी शाम को है ना, बहुत देर है, तब तक तुम खाना देकर आ सकते हो। मुझे यहाँ लोगों से मिलना है, इंतजाम करने हैं। आज नहीं पापा, और कभी। प्लीज पापा, आज माफ कर दो। देखो बेटे, अस्पताल जाना बहुत जरूरी है। वो लोग कोई अरे गहरे लोग नहीं है, तुम्हारे सगे संबंधी है। वो लोग मुसीबत में है और ऐसे वक्त में हम उन्हें मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जाओ अस्पताल जाकर खाना देकर आओ। क्या पापा, आप चाहते हैं कि बचपन के दोस्त की पार्टी छोड़कर मन गवार लोगों की सेवा में लग जाओ? प्लीज पापा, ये मुझसे नहीं होगा। देखो बेटे, वो गवार नहीं है, वो तुम्हारे रिश्तेदार है। रिश्तेदार? और फिर वो रोज तो आते नहीं, मुसीबत के मारे आए हैं। और फिर तुम्हारे दोस्त तो रोज ही मिलते हैं तुम्हें। एक बात मेरी सुन लो पापा, हर किसी को अपना संबंधी रिश्तेदार नहीं बना सकता, और खास तौर पर ऐसे लोगों को। बोलो। हाँ पापा, कहा सवाल मेरी दोस्ती का? तो जब से मैंने होश संभाला है, मैं नीतू के साथ पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ हूँ। वो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा भाई है। आज मैं उसके पार्टी में जरूर जाऊंगा। मोनू, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पापा से इस तरह जुबान लड़ाते हुए? बदतमीज, क्या यही सब सुनने के लिए तुम्हें कॉन्वेंट में पढ़ाया था? काश इस तरह का खर्च मैं अपनी बेटियों के लिए करता। निर्मला की माँ, ऐसे बेटे से बुढ़ापे के सहारे की कैसे उम्मीद रख सकते हैं? ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। मैं तो हमेशा से कहती थी कि बेटा और बेटी दोनों को बराबर समझिए, लेकिन आप थे जो आपने बेटे को अपने सिर पे बिठाए रखा। मुझे तो आशा थी कि पापा, जमाना बदल गया है। किसी से कोई भी आशा रखने का मतलब है निराशा को दावत देना। बात सिर्फ इतनी है, अगर माँ बाप बच्चे पैदा करेंगे तो उनकी परवरिश कोई पड़ोसी आके नहीं करेगा। मैं चलता हूँ माँ, देर रात को आऊंगा। बाय। जाने दीजिए उसे, आप आज छुट्टी ले लीजिए। जीजा जी को अस्पताल खाना आप ही पहुंचा दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है विमला, ऐसे नामुराद बेटे से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? अब तुम्हें बताओ रामू, ऐसे बेटे होने का क्या फायदा? इससे तो बेटियां ही अच्छी होती हैं। चलो छोड़ो, ताऊ के पास चलते हैं। ताऊ है? आइए मिलवाता हूँ। नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी, ये मेरे सारू हैं राजा राम जी। नमस्ते। बैठिए, मेरे लिए खाना लेकर आए हैं। इनके घर में भी लक्ष्मी आई है? अरे हाँ, मुबारक हो रामू। काहे की बेटी। हेलो डैडी, कैसे आप? हेलो रितु। हेलो भैया। माफ करना डैडी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मैं तुरंत आपको देखने आ गया। लेकिन आप इस सरकारी हॉस्पिटल में, एक जनरल वार्ड में एडमिट हो गए। आप कैसे भी कोशिश करके किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट हो जाते, बिल मैं पे कर देता, नो प्रॉब्लम। रितु, डैडी को कितने दिन और लगेंगे यहाँ? भैया डॉक्टर ने 2-3 दिन और कहा है।
अच्छा डैडी जैसे ही ठीक होते हैं। हेलो स्लैब गिर गया? हाँ तुम वहां की स्थिति थोड़ी संभालो, मैं अभी आता हूं। हाँ ओके सॉरी डैडी, मुझे तो साइट पर जरूरी जाना पड़ेगा। रितु जैसी डैडी तबीयत ठीक होती है इनको लेकर मेरे बंगले पर आओ। ओके बाय बाय रितु, बाय डैडी, बाय। हेलो भैया भाई थोड़ा जल्दी में हो। ओके सी यू। हाय डैड हाउ आर यू? और दीदी कैसी हो? हाउ आर यू? क्या डैड आपकी तबीयत खराब थी आपने बताया तक नहीं, मुझे पेच कर दिया होता ना तो मैं तभी आ जाता। और डैड आज रात को मैं यहाँ रुकता हूँ। दीदी आज तुम आराम करो। नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं यहाँ। कम सून योर शूटिंग टूडे, वंडरफुल। सॉरी डैड मैं रुक नहीं पाऊंगा, आज शूटिंग है मेरी, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। कोई बात नहीं, ठीक है ना, डोंट माइंड। हाँ थैंक यू, बाय बाय। ये मेरा छोटा बेटा है, आजकल टीवी सीरियल में काम करता है। अच्छा अच्छा। पापा आप ठीक तो है ना, क्या हो गया आपको? नमस्कार। नमस्कार। मुझे अभी मालूम पड़ा जब मैं घर आया, लाजो बता रही थी आपकी तबीयत के बारे में, तुमने भी मुझे फोन नहीं किया। किया था भैया, आप घर पे नहीं थे। अरे अच्छा वो इंजीनियर आया था? हाँ। कुछ दे गया? नहीं तो। तुम पैसों की परवाह मत करना, मैं हूँ, मैं अभी दुकान से जाकर 2-4 हजार रुपए भिजवा देता हूँ। क्या है वो पापा, वो मेरे ट्रक लोड हो रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, मैं फिर आऊंगा। पापा जैसे यहाँ छूटे हैं उन्हें लेकर मेरे बंगले पर आना। अच्छा पापा, अच्छा मैं आऊंगा। धन्यवाद। नमस्ते पापा। पापा आपने मुझे खबर तक नहीं की, अरे एक फोन ही करा देते तो मैं वक्त पर पहुंच जाता। खैर अभी आपकी तबीयत कैसी है? अब अच्छा हूं बेटा, रितु मुझे यहां ना लाती तो अभी तक मर चुका होता। दीदी आप पापा का ख्याल रखना, पैसे की जरूरत हो तो चिंता मत करना, मैं 5,000 का चेक देता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मैं कैश भिजवा देता हूं। ठीक है। दीदी मुझे जल्दी जाना है। हाँ? आज मेरे केस की सुनवाई है। अच्छा पापा मैं चलता हूं, आप अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगा। धन्यवाद। ये बेटा वकील है मेरा, देखो रामू ये चारों मेरे बेटे हैं, इनके पास सब कुछ है लेकिन मेरे लिए वक्त नहीं। जब मुझे हार्ट अटैक आया था तब चारों अपने ही काम में व्यस्त थे, कोई नहीं आ पाया। इन्हें मैंने अपने तन मन धन से पाल पोस कर बड़ा किया, जिसकी वजह से इन्हें समाज में इज्जत मिली और ये आज इतनी पोजीशन पर पहुंच पाए। लेकिन अपने अपने काम में ऐसे फंस गए कि मुझे एकदम भुला दिया। यदि काम आई तो मेरी बेटी जिसे मैंने लड़की होने के कारण कोई महत्व नहीं दिया। काश मेरी सभी बेटियां होती। देखो रामू ताऊ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं अब चलता हूं। ये लो ये तुम्हारा खाने का डिब्बा, मैं कल फिर आ जाऊंगा। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। अच्छा ताऊ जी अब मैं चलता हूं, नमस्ते। राम 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 रा
राम, कैसे हैं? आओ बैठो बैठो, हमारे वीडियो साहब हैं। बैठिए बैठिए वीडियो साहब बैठिए। अभी नए आए हैं, अपने क्षेत्र में जो है मुआयना करने आए हैं, तो इनकी इच्छा थी मिलने के लिए। और भाई रामू कैसे हो? ठीक है काका जी। मैंने सुना है तुमने नसबंदी करवा ली। हाँ काका, इस भरी जवानी में नसबंदी कराने की क्या जरूरत थी? कम से कम एक लड़का तो हो जाने देते, ये करवा लेते। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? क्या काका, बैठ जाइए। तूने नसबंदी? हाँ भैया। अरे तूने क्या गजब कर दिया रे बेवकूफ, कहीं तू बावला तो नहीं हो गया? ये सब कुछ करने से पहले घर वालों से पूछ तो लिया होता। अरे इतना बड़ा फैसला तूने खुद ही कर लिया? आखिर हुआ क्या बताओ तो सही। अरे अब बताने को रह ही क्या गया? अरे इसने तो वंश बेल ही कटवा दी, अब वंश का नाम आगे कैसे बढ़ेगा? इसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? अरे बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, उसके बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? कौन करेगा इसकी देखभाल? हाँ ठीक कह रहे हैं। अरे भैया अब हम ही को देख लो, तीन लड़कियों की शादी करने के बाद घर सूना हो गया। एक लड़का होता तो घर हरा भरा तो रहता। ननुआ काका, आप भी बेकार की बातें करते हैं, आप न जाने किस जहान में रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है? सवाल ये नहीं कि हमारे कितने बेटे बेटी हैं, सवाल ये है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से करते हैं या नहीं, ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। अरे रामू तुम नहीं चाहते तुम्हारा क्रियाक्रम तुम्हारा बेटा करे? अरे तभी तो मोक्ष मिलता है। काका आप मोक्ष की बात करते हैं, क्या आपको पता है कि कितने ही बेटे अपने माता पिता का सम्मान करना तो दूर, उनका जीना तक दूभर कर देते हैं और उनके मरने के बाद सारी दुनिया को दावत देते हैं, शराब कराते हैं। काका जिन बेटों ने अपने माता पिता का जीते जी कोई आदर सम्मान नहीं किया, उनके मरने के बाद इन दान दक्षिणाओं का क्या महत्व है? इतिहास गवाह है कि कितने ही बेटों ने अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया जमीन जायदाद के लिए, लेकिन आज तक किसी भी बेटी ने शायद ही अपने माता पिता के साथ ऐसा किया हो। और बाकी बात रही क्रियाक्रम की, तो मनुस्मृति में साफ लिखा है कि बेटा न होने की स्थिति में बेटी ये सब दायित्व निभा सकती है। क्या तुम्हारा मतलब है कि सब पुत्र अपने पिताओं के शत्रु होते हैं? नहीं काका, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा था कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि अपने गांव के गणपताऊ, वो मुझे शहर के अस्पताल में मिले थे। रामू अब तुम्हारे दो बेटियां हो गई हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरी राय में अब तुम ऑपरेशन करवा लो और अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आगे चलकर अपना ही नहीं बल्कि तुम्हारा घर भी खुशहाल बना सकें। फिर कभी तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा मेरी तरह। उनको हर प्रकार की मौज है, लेकिन जिस बाप ने उनको मौत भरी जिंदगी दी उसके लिए उनके पास दो मिनट का टाइम नहीं है, ऐसे बेटों का क्या फायदा? अरे फिर भी तो एक बेटा होना चाहिए ना। क्यों भैया, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन चार चार बेटियों के बाद नहीं। अब शंकर भैया को इस उम्र में चार बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ है, क्या शंकर भैया पांच बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। रे रे राम राम राम, एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे? बाकी चार कौन संभालता है? बाकी चार कौन संभालता है, सारा दिन घर में पड़ी रहती है काम की न काज की। तुम ही संभालो ना अपनी फौज को। ये लो संभालो अपने बच्चे को। हाँ हाँ, तो इसको भी मैं संभालूंगा तो काम कौन करेगा? जान खा गए हैं बच्चे, हटो, मुझे खा लो, भूख लगी है तो मार ही डालेंगे मुझे। अगर हर पिता अपनी बेटियों का बेटों के समान पालन पोषण करे तो कोई शक नहीं कि हमारी बेटियां किरण बेदी या पीटी उषा न बन सके। हाँ भाई, बढ़ती आबादी तो रुकनी ही चाहिए, तभी तो देश का कल्याण होगा। हम रामू के फैसले का स्वागत करते हैं। अच्छा ये बताओ बिटिया का नाम क्या रख रहे हो? काका इस दूसरी बेटी की वजह से मुझे एक नई दिशा मिली है, मुझमें एक नई जागरूकता आई है। इस तरह से ये दूसरी बेटी बहुत से गुण और प्रतिभा लिए पैदा हुई है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा प्रतिभा।